तो शुरू करने जा रहे राइट। यही तो चाहिए। ये भाई हवा भर रहा है, नाइट्रो मेडल वा रहा हूँ इंटरसेप्टर पे, क्योंकि वो भाई कह रहा है कि इसकी नोजल का कुछ फसड़ है, पता नहीं क्या है। तो हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं अंकल? अमृतसर। तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्लू स्टूडियो, एंड तीन बाइकें रेडी हो चुकी हैं अमृतसर जाने के लिए, एंड बने रहिए हमारे साथ एंड देखते हैं ये रोड कहाँ ले जाती है। तो दोस्तों ये लोग आए हैं अंकल के पास, क्या कर रहे हैं? भैया अलग खड़े हैं, मैं अलग खड़ा हूँ, ठीक है। अंकल की बाइक देख के आए हैं, क्योंकि अंकल ने बाइक का कर दिया है बढ़िया तामझाम, टायर की हवा फुल हो गई है, और यहाँ भाई मेरे ही कर रहा है। तो देखते हैं कब निकलते हैं और कहाँ रुकते हैं, कैसे रुकते हैं। लगे रहो हमारे साथ, बने रहो हमारे साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। तो टाइम क्या हुआ है? टाइम हुआ है तीन। टाइम हुआ है तीन। भैया पी रहे हैं क्या? वाटर। अंकल पी रहे कॉफ़ी, मैं पी रहा हूँ कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि मुझे आ रही नींद। अब आगे जा के पियेंगे रेडबुल। तो जो मुझे देगा विंग्स, क्योंकि ये भगा रहे हैं बहुत तेज। अंकल पूरा साथ दे रहे हैं, ये भगा रहे हैं, ये 80 में भी ऐसे फील करा रहे हैं 120 भगा रहे हो। या मैं स्लो चला रहा हूँ, नो आइडिया, क्योंकि मैं इनको कवर करता हूँ जल्दी 120 पे। यार 120 कैसे हो सकता? यार भैया मैं 120 से ऊपर तेज भगा रहा हूँ। मीटर का फर्क नहीं, जब मैं भगा रहा हूँ ना, जब आप लोगों के आगे से निकल रहा हूँ तब मैं 120 निकल रहा हूँ। आप निकल रहे हो 120, लेकिन वो हो आपका मीटर फास्ट चल रहा है। तो दोस्तों अभी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जब ये लोग भगा रहेंगे। तो दोस्तों ये हुई है ट्रेजेडी, और ये मेरे को इंट्यूशन थी कि होगी ट्रेजेडी। क्या हुई है? हम वेट कर रहे हैं पंचर वाले की, और हमारा एक हाथी इंटरसेप्टर हो गया है पीछे से पंचर। उम्मीद मुझे इसकी थी कि ये होगी, हो गई। और अब वेट कर रहे हैं हम लोग ढाबे के बाहर पंचर वाले की। अंकल कितनी देर हो गई? दो घंटे हो गए पंचर वाले की वेट करते करते। 4 बजे से पंचर वाले की वेट कर रहे हैं, टाइम हो गया है 6:10। और कितनी देर और लगेगी? अंकल पी रहे चाय, मैंने मंजी बिछा ली है सोने के लिए, क्योंकि सो रहा था। अब ऑप्शन कुछ और नहीं है, ये भैया का सुट्टा कम नहीं हो रहा है, इनका कुछ इलाज बांधना पड़ेगा। गाड़ी हो गई स्टक, बन रही है चाय, भाई बना रहे, भाई को सुबह सुबह उठा के चाय बनवा रहे हैं, पानी पिला दिया भाई ने मजेदार। हेलो, किसकी याद में ये भी बता दो। ये दोनों अंकल और भैया पी रहे हैं चाय, एंड देखते हैं चाय कैसा टेस्ट आता है। भाई कुल्हड़ में दे रहे हो, कैसे दोगे? कप में दोगे? भाई देगा कप में। भैया उठा लेते बिस्किट। तो देखो भाई शक्ल देखो, देसी बिस्किट है, और कमेंट करो कैसे होगा टेस्ट। अंकल टेस्ट करके बताओ कैसा टेस्ट है। बढ़िया। सिगरेट के अलावा कैसा टेस्ट है इसका? क्योंकि रात से आप सिगरेट ही पी रहे हो। तो यार बताओ, अपना मजा। गाड़ी स्टक हो गई है, तो यार इंटरसेप्टर लोगे तो प्लीज पंचर का जुगाड़, ट्यूब का जुगाड़ करना, रात भर ट्यूब नहीं मिली। ये हो गया हाल ट्यूब का, और ये हो गई हमारी इंटरसेप्टर खराब। टाइम बज गया 7। भाई कह रहा है बड़ी मुश्किल से मिला है, भाई कह रहा है कि भाई ट्यूब मिलेगी 1 घंटे बाद, तो मोटा मोटा हमें लग जाएंगे 9। यहाँ से निकलते निकलते गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये बैठे हैं, देखो क्या होता है। टाइम हुआ है 9:15, 4 बजे की बाइक अब हुई है ठीक, और अंकल और भैया का डिसाइड हो गया था ये जा रहे हैं वापस दिल्ली, क्योंकि अमृतसर जाने में इनको लग रही थी डर। तो मैंने हाथ पैर जोड़े, मज़े लिए, और अब ये मेरे साथ जा रहे हैं। देखो होटल करते हैं या डायरेक्ट निकलते हैं? होटल करना, डायरेक्ट निकले। जहाँ तक चला जा सकता चलते,
चलो जहाँ तक चला जाता है वहाँ चलते हैं और निकलते हैं। फिर पहुँचे मन्नत हवेली, एंड ये मन्नत हवेली में हम खाना खा रहे हैं। कितने बजे? 9:45 बजे। एंड यहाँ से अंकल और भैया खाना खाएंगे एंड निकलेंगे कहाँ, लुधियाना। स्टे करेंगे लुधियाना में एंड उसके बाद निकलेंगे रात को अमृतसर। हेलमेट्स, बैग, लगेज वगैरह सब यहीं पे पड़ा है। बैंड बजी पड़ी है अंकल, बैंड बजी है ना, बढ़िया वाली बैंड बजी पड़ी है और मज़े आए हैं, बट पंचर ने हालत खराब कर दी। तो 30 ट्यूब लेके जाना कहीं भी जाओ पंचर के लिए। मैंने गलती करी थी, पंचर की ट्यूब नहीं ली। हाँ, तो अब निकल रहे हैं, हमारा खाना आ रहा है। कौन कौन खाएगा? आ गया मिक्स पराठा अंकल और मेरा, मिक्स पराठा। भैया का डोसा आया, डोसा गए और पी रहे हैं जूस। गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम बैठे हैं, तो ये पी रहे हैं मौसमी का जूस, भाई पिला रहा है। भैया पैसे तो नहीं लोगे ना? पैसे नहीं है, पेटीएम है हमारे पास। पैसे नहीं रखते है, गरीब बंदे हैं, पेटीएम रखते हैं। ये रईस है, इनके पास पैसा होगा बहुत। मैं कहता रहा हूँ ये दोनों रईस बंदे इनके पास पैसा भी होगा और पेटीएम भी होगा। और भैया भी रईस है, इनके पास देखो जी खोल के जूस पिला रहे हैं। बढ़िया जूस है दोस्तों, कभी आओ अमृतसर तो पीते जाना आते जाते, और आराम से चलाना। बहुत गंदे एक्सीडेंट हुए थे पीछे। दिल वाहिगुरु जी का खालसा, तो वाहिगुरु जी की फतेह। डेस्टिनेशन पहुंच गए और टूटे पड़े, रात से चल रहे थे, हम अब चाह रहे सोने। मिलते हैं कल आपको बुलेट स्टूडियो पे। रास्ते में इतनी बारिश थी कि नीगाड़ की बैंड बज गई, बाइक की आपने देखी बैंड बज गई, जैकेट की बैंड बज गई, रेन शू कवर नहीं लेके गया था, तो ये रात से गिलने पड़े हैं, पैरों की भी बैंड बज गई। तो इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप राइडिंग कर रहे हो लॉन्ग राइड्स के लिए। तो चॉइस इज योर्स कि आपको राइड करनी है तो क्या क्या प्रिकॉशन करने हैं, खास तौर से तब जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो। सेकंड थिंग, जब आप पूरी प्रिकॉशन लेके जा रहे हो।